से आई एक सनसनीखेज खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है वसंतकुंज। वसंतकुंज इलाके में अगर आप कभी गए होंगे, आपने देखा होगा वहां बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले हैं। इस वीआईपी इलाके में एक कोठी से दो शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जो दो शव बरामद हुए हैं उनमें से एक शव 53 साल की फैशन डिजाइनर माला लखानी का है, जबकि दूसरा शव उनके 50 साल के नौकर का है। दोनों की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। माला का दिल्ली के ग्रीन पार्क में कपड़ों का शोरूम है। पुलिस ने इस मामले में अभी 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। फिलहाल पुलिस अभी इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि इस हत्या के पीछे क्या वजह थी, इस वारदात को अंजाम देने में किसका हाथ है। ये है क्या, क्या ये सुइसाइड है, मर्डर है, ये बड़ा सवाल। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल 53 साल की फैशन डिजाइनर माला लखानी की है। और दो शव मिले हैं, एक शव माला लखानी का और दूसरा उनके 50 साल के नौकर का। ये तो पता चल पाया है कि दोनों की हत्या जो है वो किसी धारदार हथियार से की गई है। हम आपको बता दें, माला का दिल्ली के ग्रीन पार्क में कपड़ों का शोरूम है। जिस बंगले में माला रहती थी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक ये गुत्थी उलझी हुई है कि फैशन डिजाइनर का कातिल कौन है, हत्या के पीछे क्या वजह थी, किसने इस वारदात को अंजाम दिया और 50 साल के नौकर की हत्या किसने की, इसके पीछे क्या रहस्य है, पूरा घटनाक्रम क्या है, अभी कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है पुलिस। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वसंतकुंज इलाके की यह घटना है। दिल्ली का वसंतकुंज इलाका वीआईपी इलाका माना जाता है। बेहद अमीर लोग, वीआईपी लोग पॉश कोठियों में रहते हैं यहाँ पर। और इस वीआईपी इलाके में एक कोठी से, एक बंगले से, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां से 53 साल की माला लखानी का शव बरामद हुआ है। दरअसल इस कोठी से दो शव मिले हैं, लखानी की इस कोठी से दो शव मिले हैं, एक खुद माला लखानी का और एक उनके नौकर का। 6 बजे सुबह हम लोग देखे हैं कि दो डेड बॉडी गाड़ी में लोग डाल के ले गए एम्बुलेंस में, और उसके बाद अभी पूरी खबर नहीं है कि किसकी डेड बॉडी थी। अच्छा, कौन रहते थे आपके सामने? यहाँ पे माला लखानी जी रहती थी और उनका एक नौकर रहता था बहादुर। अच्छा, क्या उम्र क्या होगी? माला जी की उम्र है लगभग 45 प्लस। अच्छा, और बहादुर उनसे भी ज़्यादा उम्र की है, उम्र का है। अच्छा, क्या लगता है किस तरीके से, क्योंकि पूरा सीसीटीवी कैमरे को लगे, किस वजह से हत्या करेगी, कुछ पता चला आप लोगों? नहीं, हम लोगों को कोई खबर नहीं है अभी। तो दिल्ली के वसंत कुंज में जो सनसनीखेज डबल मर्डर हुआ है, इसके बाद से पुलिस लगातार इस हत्या की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। इस मामले में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है। पर बड़ा सवाल बना हुआ है कि फैशन डिजाइनर माला लखानी की हत्या किसने की। उनके साथ ही उनके 50 साल के नौकर की लाश भी इसी बंगले से मिली है जहाँ वो रहती थी। दिल्ली के वसंत कुंज का ये इलाका बहुत पॉश इलाका, बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले हैं यहाँ पर। और ये जो बंगला अभी आप देख रहे हैं, इसी बंगले में रहती थी माला, जहाँ से उनका शव मिला है, उनकी लाश मिली है, उनके नौकर की लाश मिली है। दोनों की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। अब इसके पीछे मंशा क्या है, आखिर किसने इस हत्या को अंजाम दिया, इरादा क्या रहा होगा, ये तमाम तरह के सवाल बने हुए हैं। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि फैशन डिजाइनर का कातिल कौन है, आखिर क्या वजह रही होगी कि माला लखानी को मौत के घाट उतार दिया गया। और दूसरा जो शव है वो उनके 50 साल के नौकर का है। दोनों की हत्या जैसे कि हम आपको बता रहे हैं किसी धारदार हथियार से की गई है, लेकिन इस हत्या के पीछे की मंशा साफ नहीं है। माला का दिल्ली के ग्रीन पार्क में कपड़ों का शोरूम है। फैशन डिजाइनर का जानी दुश्मन कौन, ऐसा कौन सा शख्स है, क्या मंशा रही होगी, क्या इरादा रहा होगा कि 53 साल की इस फैशन डिजाइनर को मौत के घाट उतार दिया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या पुलिस की तरफ से कुछ सुराग मिल पा रहा है कि आखिर इस फैशन डिजाइनर की हत्या, उनके नौकर की भी हत्या किसने की? देखिए नेहा, बिल्कुल पुलिस ने पूरा मामला बिल्कुल साफ कर दिया है। जो माला लखानी है, इनके इसी बंगलों में जो उन्होंने अपनी शॉप बनाई हुई थी, तो वहां पर जो काम करने वाला टेलर है राहुल, उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ये निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया था। लूटपाट मकसद था,
रात करीब 10 से 11 बजे के आसपास राहुल ने अपने दो साथियों को पूरे प्री प्लान तरीके से पहले यहाँ पर बुलाया और उसके बाद कुछ सामान कपड़ा दिखाने के बुलाने जो माला दिखानी है उनको उस जो घर के अंदर ही जो टेलर शॉप बनी थी वहां पर बुलाया और उसके बाद चाकू से घोपकर उनकी हत्या कर दी। जब नौकर जब वहां पर जो जो चौकीदार और जो बहादुर नौकर वहां पर घर पर मौजूद था वो वहां पहुंचा तो उसकी भी हत्या कर दी गई। इसमें एक और बात सामने आई है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ज्वेलरी लूटकर ये माला लखानी की गाड़ी में ही बैठकर यहां से फरार हो गए, लेकिन देर रात को खुद इन्होंने पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर सरेंडर कर दिया और पुलिस को ये बात बताई कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने पाया कि हाँ घर के अंदर दो दो लाश पड़ी हुई है जिनमें एक माला लखानी की और उनके नौकर की है। पुलिस का कहना है कि इन्होंने ये एडमिट किया है कि ये घबरा गए थे और हालांकि इन्होंने प्री प्लान मर्डर किया लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था, एहसास हो गया था कि क्योंकि ये काफी समय से राहुल इनके घर पर काम कर रहा था तो पुलिस इनको ढूंढ ही लेगी। यही वजह है कि इन्होंने देर रात को आकर तीनों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस अभी इन तीनों से पूछताछ कर रही है, अभी जो जो ज्वेलरी जो ये यहाँ से लूट कर गए थे उसकी रिकवरी की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस की तरफ से जो पूरी जो कहानी है, पूरी जो थ्योरी सामने आई है वो आपके सामने रखते हुए वरुण जैन, जिन तीन नौकरों ने सरेंडर किया है वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि उन्होंने ज्वेलरी लूटी, उसके बाद कार में फरार हुए। और वरुण जैन जैसे कि हमें लगातार बता रहे हैं कि पुलिस ने अब इन्हें हिरासत में लेकर इनसे बातचीत पूछताछ शुरू कर दी है। वरुण आप क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी एक बार फिर से जरा बताइए इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कड़ियां कैसे जोड़ी, जिन तीन लोगों को या तीन नौकरों को हिरासत में लिया गया आप बता रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर किया और वहीं से पुलिस को इस पूरे हत्याकांड के बारे में पता चला। जी हाँ, देखिए दरअसल घटना यह है कि देर रात को पुलिस स्टेशन पर तीन लोग पहुंचते हैं जिनमें एक राहुल नाम का शख्स था और उसके दो साथी थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि जो वसंतपुर एंक्लेव इलाके में माला लखानी रहते हैं, मैं उनके वहां पर काम करता था, मैंने अपने इन्हीं साथियों के साथ मिलकर माला लखानी और उनके उनके नौकर की हत्या कर दी है। पुलिस जब यहाँ पर मौके पर पहुंचती है तो बंगलों के अंदर दो दो लाश पड़ी थी। जब पुलिस ने इनसे सस्टेन इंटरोगेशन की तो इन्होंने बताया कि इन्होंने लूटपाट के मकसद से ये हत्याकांड को अंजाम दिया है। राहुल करीब 3.5 साल से माला लखानी के यहाँ पर ही बंगलों में जो उन्होंने अपनी शॉप बनाई हुई थी वहाँ पर टेलर का काम करता था। करीब 10 दिन पहले ही इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, उसके बाद हथियार चाकू खरीदा था और उसके बाद कल वर्कशॉप के अंदर ही राहुल ने पहले बहाने से माला लखानी को कुछ सामान दिखाने के लिए, कपड़ा तैयार हो गया उसको दिखाने के लिए बुलाया और उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू घोप कर उनकी हत्या कर दी। जब घर का नौकर वहां पर पहुंचा तब उसकी भी हत्या इन्होंने कर दी और उसके बाद घर के अंदर जो ज्वेलरी थी वो लूटी और उसके बाद माला लखानी की गाड़ी से ही यहाँ से फरार हो गए। उसके देर रात को इन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पूछताछ में इनका कहना था कि ये काफी घबरा गए थे और राहुल को इस बात और इसीलिए इन्होंने जाकर के पुलिस के सामने सरेंडर किया। जी घर का सर्वेंट था, इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद इनका मुख्य इरादा था कि जो घर में ज्वेलरी, कैश और जो भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको लूट लिया जाए। इन्होंने वारदात तीनों लोगों ने मिलकर पहले से 10 दिन से इनकी योजना थी और घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद जो सामान यहाँ से ज्वेलरी और दूसरी वैल्यूएबल आइटम्स लेकर अपनी मालकिन की ही गाड़ी को भी इन्होंने साथ में लूटा और उसी गाड़ी से तीनों लोग यहाँ से फरार हुए। बाद में जाकर इन्होंने कई जगह पर इस सामान को छिपाया। लेट नाइट ये तीनों लोग पुलिस स्टेशन में खुद आकर इन्होंने एडमिट किया, पुलिस को सूचना दी कि हम लोगों ने अपनी मालकिन की हत्या की है। उस सूचना के आधार पर पुलिस ने आकर तमाम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जिसमें कि इनकी डेड बॉडीज़ को रिकवर किया गया और इनसे गहन पूछताछ की गई और सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद इन्होंने एडमिट किया कि हमने जो चोरी का सामान है, जो सामान लूटा गया है उसको कहाँ छिपाया है, बाकी चीज़ें भी इनकी निशानदेही पर पुलिस ने रिकवर की हैं। अभी ये प्रारंभिक जांच से चीज़ें सामने आई हैं, घटना की पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिसमें सारे सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं।
जो और फैक्ट सामने आएंगे वो आपको ब्रीफ कर दिए जाएंगे। थाने के पहुंचे, थाने के पहुंचे, जब इन्होंने पूरी योजना बनाई थी, वजह क्या बताई, डर गए थे? ये तमाम चीजें हैं, उनको ये पता था कि हम लोग जो यहाँ पर लगातार पिछले 3.5 साल से, जैसे मैंने बताया कि जो मुख्य आरोपी इसका राहुल है जो यहाँ 3.5 साल से काम कर रहा था, तो सबको ये पता था कि वो लगातार फोन पर संपर्क में थे, घर पर थे, तो ये दबाव था और उनको ये बिल्कुल आशंका थी कि उनको जरूर पुलिस ने पकड़ लेगी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पुलिस को सूचना दे दी जाए। कहाँ कहाँ लोग गाड़ी लेकर कहाँ कहाँ इन्होंने अपने सामान छुपाया, क्या यहाँ से निकले? वो तमाम चीज़ें, रिकवरीज वगैरह जो हुई हैं और जो हम लोग इनकी निशानदेही पे आगे जो काम कर रहे हैं वो आपको बाद में ब्रीफ। कितने बजे निकले वारदात, कितने बजे की और कितने बजे निकले यहाँ से? ये घटना रात को 10 से लेकर 12 बजे के दरमियान हुई है, जबकि ये यहाँ पर काम कर रहे थे और इन्होंने कुछ जो सिलाई का काम करते थे उसको सामान को दिखाने के बहाने मैडम को अपने रूम में बुलाकर वहाँ उनके साथ ही। तो क्यों मारा इन्होंने, वजह क्या थी, लूटपाटी थी या लूटपाट का इरादा था, जो स्पष्ट भी हुआ है, जो चीजें ज्वेलरी वगैरह और जो चीजें हत्या चाकू से की गई है और चाकू इन्होंने मार्केट से 10 दिन पहले खरीदा है, वो तमाम चीजें जो छोटे छोटे फैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन को हम लोग उसको इकट्ठा कर रहे हैं वो तमाम आपको। ये आपस में रिश्तेदार हैं तीनों और यही नजदीक के रंगपुरी पहाड़ी में रहते हैं। ये सारे यहीं थे पहले से, तीनों के तीनों घर के अंदर थे? हाँ, घर के अंदर तीनों मौजूद थे और इनका पहले से प्लान था और उन्होंने कोई, मैंने जैसे बताया कि कोई कपड़ा दिखाने के लिए हमने ये पीस तैयार कर लिया है, मैडम आप आ जाइए, इस तरह से उनको बुलाने की बात इन्होंने खुद एडमिट किया। राहुल दर्जी है, राहुल कितने सालों से काम कर रहे थे? 3.5 साल से राहुल इनके साथ काम कर रहा था, बाकी लोग उसके रिलेटिव हैं जो दोनों वो भी दर्जी हैं, वो भी सिमिलर काम करते हैं। अच्छा, और ये कितने बजे थाने आए सर? ये रात को 2:45 पे थाने पहुंचे। सर, ये जो दो बंदे थे उनके अलावा मतलब उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह कुछ ऐसा है? वो तमाम चीजें एस्टेब्लिश की जा रही हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है इनकी बैकग्राउंड क्या है। यहाँ अकेली रहती थी क्या इनके परिवार में कोई और लोग? अभी यहाँ इनके साथ अकेली रहती थी और एक बहादुर नाम का आदमी इनका काम करता था जो काफी दिनों से इनके साथ था। पारिवारिक सदस्य सामने आया? हाँ, इनकी बहन आ गई है, उनसे हम लोग। कितना वैसे कितना था लूटपाट का जो ज्वेलरी और ये चीजें आपको बाद में सारी बता दी जाएंगी। तो सर, गाड़ी कौन सी लेकर गए थे यहाँ से? जो लेकर गए हुंडई गाड़ी थी, वो भी रिकवर हो गई है और बाकी चीजें कितने पैसे या कितनी ज्वेलरी की लूटपाट की? सर, हुंडई गाड़ी को लेकर कहाँ कहाँ घूमे थे ये लोग? तो पुलिस को आप सुन रहे थे, पुलिस ने कहा है कि हत्याकांड के तीनों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं, तीनों सरेंडर करने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और कल रात उन्होंने ही ये खुलासा किया कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। राहुल समेत तीन नौकरों पर हत्या का आरोप, और हम आपको बता दें थाने में जाकर के कहा उन्होंने कि हमने हत्या की है माला लखानी की, अपनी मालकिन की। लूटपाट के मकसद से दोनों की हत्या की गई, यानी नौकर और फैशन डिजाइनर माला लखानी की। लूट का सामान लेकर गए थे घर के नौकर के, अचानक आने पर उसकी हत्या की। जिस वक्त इस हत्या को अंजाम दे रहे थे, यानी फैशन डिजाइनर अपनी मालकिन की हत्या कर रहे थे, घर का नौकर आया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की तरफ से पूरी जानकारी सामने आई है कि दिल्ली के जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर अजय चौधरी हैं, उन्होंने इन तमाम बातों का खुलासा किया है और बताया है कि हत्या का जो मुख्य आरोपी है वो राहुल है, 3.5 साल से दर्जी का, टेलर का काम कर रहा था वो माला लखानी के पास। डिजाइनर माला की हत्या से पहले घर में लूटपाट की गई, हत्या करने के बाद लूटपाट के सारे सामान को लेकर ये तीनों आरोपी फरार हो गए और पुलिस के मुताबिक जब इन्हें इस बात का डर लगा कि पुलिस इन्हें पकड़ सकती है इस हत्याकांड में, तो खुद ही जाकर सरेंडर किया देर रात और ये पूरी कहानी जो है किस तरह से हत्या को अंजाम दिया ये बताया। हत्याकांड के तीनों आरोपी दरअसल आपस में रिश्तेदार हैं, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। दिल्ली के वसंत कुंज में फैशन डिजाइनर की हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि तीन आरोपी जो हिरासत में लिए गए थे, दरअसल उन्होंने सरेंडर किया था, तीनों आपस में रिश्तेदार हैं, इनमें से एक राहुल माला लखानी के यहाँ ही काम किया करता था, धोखे से माला लखानी को बुलाकर उनकी हत्या करके लूटपाट के इरादे से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, हर ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।